भाई हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजर रेलवे स्टेशन। हम लोग का गांव का जो है वो आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो अभी गाइज हम लोग यहां से निकल चुके हैं, तो अभी चलते हैं गाइज, रास्ते में है। तो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि गाइज मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी खास है, क्योंकि गाइज आज जो है हम लोग आए हैं, हम लोग का जो गांव का है वो रेलवे स्टेशन वहाँ पे आए हैं, और आप लोग को पूरा ये स्टेशन के बारे में आप लोग को पूरा बताने वाले हैं। और ये जो स्टेशन है वो मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर में है, और ये स्टेशन का नाम गाइज कुवाड़ रेलवे स्टेशन है। तो गाइज अभी चलिए, फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, और अभी स्टेशन के बाहर है। तो अभी गाइज हम लोग अंदर जाने वाले हैं और आप लोग को सब कुछ बताने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सी ट्रेन आती है और कितने बजे आती है, सब कुछ पूरा डिटेल से बताने वाले हैं और आप लोग को अच्छे से दिखाने वाले हैं कि कैसा है रेलवे स्टेशन। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज ऐसे ही अच्छे और ख़ास ब्लॉग आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का ब्लॉग। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे टिकट मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर है लगा हुआ है। यहाँ पे कोई अभी है नहीं, क्योंकि गाइज अभी जो है यहाँ पे जो ट्रेन आती है वो एक सुबह में आती है और एक शाम को आती है। तो आप यहाँ पे अभी कोई जन नहीं है क्योंकि खाली है। और इधर देख सकते हैं गाइज इधर सब स्टाफ रूम वगैरह दिया गया है पूरा, इधर देख सकते हैं स्टाफ रूम वगैरह है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइज बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, और बिना टिकट के आप लोग नहीं कर सकते ट्रेवल ट्रेन में। तो और ये गाइज थोड़ा सा छोटा सा एक सीढ़ी है, और इधर देख सकते हैं एक चापाकल है। चलती है या नहीं चलती है यार? हाँ तो गाइज यहाँ पे ये एक चापाकल है, ये चलती है। और इधर देख सकते हैं खूबसूरत सा एक दिया गया है इधर यात्रियों के लिए और चढ़ने के लिए, इधर से उधर क्रॉस करने के लिए। और इधर देख सकते हैं पूरा गाइज ये है पूरा कुवाड़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे देख सकते हैं कुवाड़ का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, नाम लिखा गया है। फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा हम लोग भी आ गए हैं थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए आप लोग को इधर का जो व्यू है, और ये बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी आप लोग को देख रहे होंगे। यहाँ पे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, बट फिर भी रहते हैं, जब ट्रेन आती है तब बहुत अच्छे खासे भीड़ भी रहते हैं। और इधर से बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है यात्रियों को के लिए इधर से उधर, और इधर से कुछ देख सकते हैं व्यू पूरा वहाँ तक, और उधर देख सकते हैं। और इधर से दो पटरी है, एक लेफ्ट एक राइट, यानी दो ट्रेन जा सकती है एक बार में, बट अभी एक ही चलती है। और जो ट्रेन आती है वो 6 बग्गी की आती है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं आता, 6 बोगी का ही आता है, और ज़्यादा लंबा भी नहीं आता, क्योंकि अभी इधर जो है गांव तरफ है, तो गांव तरफ आप लोग जानते ही होंगे ज़्यादा दूर जो लॉन्ग सुपर फास्ट वगैरह जो ट्रेन है वो नहीं आती है, बट छोटा ही ट्रेन आती है। और इधर देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है इधर, और कुछ इधर भी क्या क्या बनाया गया है, इधर शायद रहने के लिए कुछ सरकारी जो इधर काम वगैरह करते हैं उसके लिए शायद बनाया गया है। इधर देख सकते कुछ इस तरह नज़ारा है। तो गाइज आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का जो ट्रेन है वो कोडरमा से आती है, कोडरमा से मधुपुर सीधा रवाना होती है। और गाइज यहाँ पे दो टाइम में आती है जो ट्रेन आती है, वो दो टाइम में आती है, एक सुबह में आती है एक शाम में आती है। तो गाइज सुबह अगर आप लोग को कुवाड़ से गिरिडीह भी जाना हो, मधुपुर जाना हो, या तो कोडरमा भी जाना हो, तो सुबह में आप लोग 7:30 बजे 7:45 में आती है, और शाम में गाइज 4:45 में आती है। तो आप लोग यहाँ पे आके आराम से ट्रेवल कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं। शाम में जो है इवनिंग में कुवाड़ में 4:45 में रुकती है ट्रेन, और जो सुबह में है वो 7:45 में आती है, और कोडरमा से आती है इधर
तो ग्वाड़ में ही रुकती है और यहाँ से सीधा रवाना होती है गिरिडीह तरफ से होते हुए मधुपुर जाती है। तो आप लोग यहाँ से अगर आप लोग को ट्रेवल करना है गिरिडीह के लिए या तो कोडरमा के लिए और भी कोई लोकल हो गया इधर का जो भी है तो आप लोग यहाँ पे आके ट्रेवल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सुविधा है और बहुत ही अच्छा। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलते हैं और यहाँ से अभी फिर हम लोग को जाना होगा क्योंकि गाइज हम लोग जो है आप लोग को यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली आप लोग को जानकारी दे चुके हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी गाइज हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं, देख सकते हैं गाइज कितना, अबे सट गया वहाँ पे, कितना हरामी लड़का डायरेक्ट तुम घुसा देता स्टेशन में, डर नहीं लगता को अधिकारी वगैरह बोल दिया तो बताओ। तो गाइज अभी निकलते हैं यहाँ से। अब धीरे धीरे चलो, फ्यूल है पूरा भरा हुआ। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम अपना घर और लगभग गाइज एक बज चुका है तो भूख भी ज़्यादा लगा है। तो गाइज अभी और थोड़ा काम भी है तो गाइज मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।